Very good morning, students. So today we start our next chapter of computer, chapter 3, more on MS Excel. So first we go to the our start button, then all program, then click on Microsoft Office setup, Microsoft Office. In a Microsoft Office, choose the MS Excel 2010. Wait for a second. That's my MS Excel window. So there are the various menu, tabs, file, home, insert, page layout, formula, data, review, view and above. So there are the various tabs. So the small icons jo display ho rahe at that time. So these are our cells. So in a worksheet, there is a number 1, 2, 3, 4, 5, 4, A1, A B C D, SE series hai mere paas. So this is known as a cell address. For example, at that time, agar mera cell either present hai, to A or 1 is a cell address, jo cell ka address hai. Or if we write, move our cursor here, to that's the B and the 6. To B6 kya hai, mera cell hai. तो फर्स्ट जैसे अब मैं इसमें कोई रिकॉर्ड को मैंने सेव करना है, हाउ मैं अपने रिकॉर्ड को इसमें कैसे सेव कर सकती हूँ. सो लेट्स सी, जस्ट टाइप इन ए फर्स्ट आई विल टाइप. स्कूल नेम निर्मल सागर पब्लिक स्कूल. And space देके, then Dasara, then मैंने किसी class का, if I have to type the record of any class, तो मैं इसमें class select करती हूँ, class, जिसमें for example 12th लिख लिया, ठीक है, तो इसके साथ वाले में for example इधर, ठीक है, तो class select करने के बाद third में मैंने लिख दिया SN number. उसके बाद मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल ऐसा नंबर के बाद नेम, देन सब्जेक्ट इंग्लिश, देन अनदर सब्जेक्ट, देन अनदर सब्जेक्ट नेम, जस्ट क्लिक ऑन अनदर सेल, ओके, देन अनदर सब्जेक्ट नेम. Okay, so I have declared this in this 1, 2, 3, 4, 5 subjects. Or uske last mein maine mention kar diya total. Or then percentage, then grade. So how we can calculate all this? So maine isme SN number 1, uske baad maine SN number 2 dal diya. Or just click in here and drag. जब इस पर प्लस वाला साइन आ जाए तो ड्रैग द माउस टू नियर, तो उसमें राइट क्लिक कर जस्ट क्लिक हियर फिल सीरीज, देन क्लिक ऑन फिल सीरीज. व्हेन आई क्लिक ऑन फिल सीरीज तो इसमें ऑटोमेटिकली सभी वैल्यू फिल्स हो जाएंगी. तो इन ए नेम फॉर एग्जांपल आई विल राइट नेम, जैसे जो भी कोई बेसिक नेम्स है मैं वैसे ही लिख देती हूँ. तो बेसिकली जो भी नेम्स आप देना चाहते हैं इधर तो दे सकते हैं. मैंने इसमें नेम्स दे दिए. और इंग्लिश सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं डाटा बना रही हूँ, तो मैंने इसमें मार्क्स वगैरह मेंशन करने हैं. अब जैसे पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के मार्क्स, तो मैं रैंडमली किसी भी नंबर को चूज कर सकती हूँ. तो आई विल राइट एनी नंबर्स हियर. ऐसे ही मैथमेटिक्स के लिए मैंने रैंडम नंबर लिख दिए कोई भी.
तो आप भी ऐसे अपने डाटा को फिल कर सकते हैं। बस हम जो कर्सर की डाउन की है तो उसके साथ मैं इसको नंबर को राइट डाउन कर सकती हूँ। सो इन्हें पंजाबी, तो रैंडमली जौन से भी नंबर आपने मेंशन करने हैं तो हम कर सकते हैं इसमें डायरेक्टली, और ऐसे ही। सो इट्स टेक टाइम, सो वेट फॉर 1 or 2 seconds फर्स्ट वी फिल अवर ऑल द डाटा। कंप्यूटर के रिगार्डिंग भी मैंने जल्दी जल्दी में जैसे नंबर, कोई भी नंबर तो मैं लिख रही हूँ, कोई भी नंबर्स तो मैंने स्कोर कर दिया। ठीक है, तो अब है टोटल। टोटल दैट मीन सम, सम का फार्मूला है सम, हाउ टू फाइंड सम इन अ एक्सेल। जस्ट क्लिक ऑन इंग्लिश, मैथ, पंजाबी, हिंदी, कंप्यूटर और टोटल, इनको क्लिक कर क्लिक ऑन अ फार्मूला टैब, और उसमें ऑटो सम की ऑप्शंस हैं। क्लिक ऑन ऑटो सम देन सम, सो वी हैव टू कैलकुलेट सम ऑफ ऑल दिस 5 numbers। तो मैंने जो नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स का है उनका भी सम ऑफ फाइंड करना है, तो मैं जब सेल की लास्ट पर एंड पर मूव करूँगी, जब इस पर ये प्लस कलर का हैंडल आ जाए देन मूव दिस हैंडल टू द डाउन, तो ऑटोमेटिकली जो सभी का है वो सम शो हो जाएगा। ठीक है, तो टू फाइंड द परसेंटेज, इन फाइंड द परसेंटेज एक्सेल में हम जब भी किसी फार्मूला को टाइप करते हैं वो है टू टाइप इक्वल टू साइन फर्स्ट, और मैंने जो टोटल है उसका सेल एड्रेस है जैसे H, और इधर से मैंने चेक करना है 4, तो H4 इसका एड्रेस है, डिवाइडेड बाय, तो मेरे पास कितने सब्जेक्ट है 1 2 3 4 5, तो मैं 500 के साथ डिवाइड कर जितने भी मेरे सब्जेक्ट है जितने में भी मैंने निकालनी है तो 100, तो एंटर प्रेस करूँगी। ठीक है, तो अगर मैंने ऐसे ही सभी की परसेंटेज, मैं नहीं चाहती कि मैंने बार बार उस फार्मूले को अप्लाई करना है, तो जस्ट ड्रैग अवर माउस, माउस के साथ या कर्सर को ऐसे मूव कर सकती हूँ। सो डैट्स फॉर द परसेंटेज, डैट्स वी हैव टू फाइंड द टोटल,